हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल जी के टोकलर्स पर। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी शॉप से बोतल में पैक्ड पानी खरीद कर जरूर पिया होगा, और शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसने आज तक पैक्ड वाटर नहीं खरीदा। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने गौर किया है कि पानी की बोतल पर भी एक्सपायरी डेट प्रिंटेड होती है? पर सवाल है क्यों? पानी तो हमेशा ही पीने लायक रहता है, बस साफ होना चाहिए, वो तो कभी खराब नहीं होता जैसा हम सभी को पता है। फिर बोतल पर उस एक्सपायरी डेट का क्या मतलब है? क्या पैक्ड पानी में भी कोल्ड ड्रिंक की तरह केमिकल्स मिले होते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। पैक्ड पानी में कोई केमिकल्स नहीं मिले होते। पानी की बोतल पर जो एक्सपायरी डेट होती है वो बोतल के अंदर मौजूद पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो उस खाली बोतल की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद प्लास्टिक हार्मफुल गैस छोड़ने लगता है जो कि पानी में मिलकर उसे भी खराब कर देते हैं। इसीलिए पानी की बोतल पर भी एक्सपायरी डेट दी जाती है, ताकि ये पता रहे कि उस बोतल की हार्मफुल गैसेस का इफेक्ट कब तक उस पानी पर नहीं पड़ेगा और वो कब तक पीने लायक रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।